मुद मंगल मैथुन समाज सज्जनों देवियों, अभी पूर्व प्रवक्ता मधुरेन्द्र जी अपनी बात कह रहे थे तो मुझे कुछ ख्याल आ गया। मैं वही पहले कह देता हूँ, फिर और आगे दूसरी बात पर कुछ कहेंगे। कोई आदमी साल भर रोज दूध पिए और एक दिन शराब पी ले, साल भर ईमानदार रहे एक दिन चोरी कर ले, साल भर ब्रह्मचारी रहे एक दिन व्यभिचार कर ले, तो आप क्या समझोगे उसे? साल भर का महत्व दोगे कि एक दिन का महत्व दोगे? साल भर संयम के पद पर चले एक दिन असंयम के पद पर चले तो क्या होगा? साल भर ब्रह्मचारी रहे एक दिन व्यभिचार कर ले तो उसे साधु कहोगे? कोई नहीं कहेगा। तो इसलिए जीवन पर्यंत अच्छे मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। हर दिन हर क्षण हर समय अपने आप को शोधने की आवश्यकता है। निरंतर का शोधन इससे जीवन में सही स्थिति मिलती है। जो जहां है वहां से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसीलिए संत गुरुजन ये कहते हैं कि आदमी को रोज रोज सत्संग करते रहना चाहिए। एक ने कहा कि रोज रोज सत्संग करने की क्या आवश्यकता, ज्ञान की बातों को सत्संग की बातों को एक दिन सुन ले, जान तो लिए कि अमुक काम गलत है अमुक काम सही है, गलत नहीं करना है सही करना है, अब उसके अनुसार से जीवन का आचरण करें। रोज सत्संग करने की क्या आवश्यकता, उससे कहा गया ठीक कहते हो, रोज सत्संग करने की आवश्यकता नहीं है। सप्ताह भर में 15 दिन में महीना में एक दिन सत्संग सुन ले काम चल जाएगा, रोज घर में झाड़ू लगाने की क्या जरूरत है? सप्ताह में एक दिन झाड़ू लगा लिया करेंगे, सफाई तो हो जाएगी ना, एक दिन झाड़ू लगा लो पोछा लगा लो, रोज क्यों लगाते? कहा यह जाएगा कि रोज झाड़ू ना लगाएं तो सप्ताह भर में तो घर कूड़ादान बन जाएगा। कोई आदमी बीमार है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई दी, घर में आया तो आदमी सोचता है रोज दवाई खाने की क्या जरूरत, सप्ताह में एक दिन दवा खा लेंगी बीमारी तो ठीक हो जाएगी। सप्ताह में एक दिन दवा खाओ तो बीमारी ठीक होने की अपेक्षा और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जैसे रोज घर में सफाई करने की आवश्यकता है, रोज दवाई खाने की आवश्यकता है, इसी प्रकार से रोज सत्संग करने की आवश्यकता है। आप घर में रहते हैं, दरवाजा खुला है खिड़की खुली है तो उससे दरवाजे और खिड़की से हवा आती है प्रकाश आता है और तब वातावरण शुद्ध बना रहता है रहने लायक बना रहता है। लेकिन आप जानते हैं दरवाजे और खिड़की से
केवल हवा प्रकाश नहीं आते, उससे धूल गर्दा और कूड़े करकट भी आते हैं। ऐसा थोड़े होता है कि दरवाजा से केवल हवा प्रकाश आए और कूड़ा करकट ना आए। हवा प्रकाश आने के लिए अलग दरवाजा है और कूड़ा करकट आने के लिए अलग दरवाजा है, ऐसा तो होता नहीं है। जैसे आप दरवाजा खिड़की खोलोगे उसी हवा प्रकाश आएंगे, उसी कूड़ा करकट आएंगे। और ऐसा भी काम नहीं चलेगा कि आप दरवाजे के बाहर लिख दो कि कूड़े करकट का प्रवेश निषेध है, तो आपके लिखने से वो रुक जाएंगे क्या कूड़े करके? चाहे जितना लिखो, वो तो हवा चलेगी तो हवा के साथ कूड़े करकट धूल गर्दा अपने आप आना है। अब ये सोच ले, अरे ये दरवाजा और जंगला खोलते हैं, खिड़की खोलते हैं तो धूल गर्दा बहुत आते हैं, इसलिए भैया मकान में दरवाजा खिड़की खोलना ही नहीं है, दरवाजा खिड़की नहीं बनाना है, तो क्या हो जाएगा? मकान रहेगा कि कब्र होगा? फिर मकान मकान नहीं रहेगा, आपका मकान कब्र बन जाएगा। ये तो उदाहरण है। अब आए जीवन की तरफ। जब तक जीवन है तब तक आंख नाक कान जीभ चाम त्वचा चाम इन पांच ज्ञानेंद्रियों से हमें व्यवहार करना होगा। ये जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे, ये दरवाजा और जंगले के समान है। आंख से देख करके काम लेना होगा, देख करके चलना होगा, कान से सुनना होगा, मुंह से बोलना होगा, खाना पीना पड़ेगा, नाक से गंध हवा भी आएगी, गंध भी आएगी, चाम से स्पर्श भी होगा। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों को बिल्कुल बंद नहीं किया जा सकता, इन पर प्लास्टर नहीं किया जा सकता। चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, जब तक जीवन है तब तक ज्ञानी अज्ञानी दोनों को पांचों ज्ञानेंद्रियों से काम लेना पड़ेगा। लेकिन काम आप ले रहे हैं, सावधानी नहीं हुई तो इन्हीं इंद्रियों से विकार मन में प्रवेश करते हैं। सावधानी पूर्वक काम करते हैं तो ये इंद्रियां जीवन निर्वाह में और कल्याण में सहयोगी होती हैं। सावधानी हटा दो तो यही इंद्रियां दुख बंधन और भवसागर में भटकने का कारण होती है। सावधानी पूर्वक काम लेना होगा। जब तक जीवन है तब तक व्यवहार करना होगा, लोगों के साथ रहना होगा, मिलना जुलना होगा, काम धाम करना होगा, व्यवहार करना होगा। बिना व्यवहार के जीवन चल नहीं सकता। कोई भी आदमी बिल्कुल अकेला नहीं रह सकता है। ज्ञानी से ज्ञानी, वैराग्यवान और जीवन मुक्त जो संत हैं, वे भी संसार में बिल्कुल अकेला नहीं रह सकते। आप घबरा जाओ दुनिया से, घर के लोगों से घबरा जाओ, गांव वालों से घबरा जाओ, और सोचो भैया ये तो बहुत झंझट है, यहां नहीं रहूंगा, चले जाओ घोर जंगल में, या चले जाओ हिमालय की गुफा में, किसी से मिलना जुलना कुछ नहीं करना, कोई संबंध नहीं रखना है। ठीक है, जंगल चले गए, हिमालय की गुफा में रह गए, और भूख लगेगी तब क्या करोगे? क्या खेती करोगे वहां जाकर के, कि फैक्ट्री लगाओगे? जब भूख लगेगी तब तो गांव में आकर के भीख मांगना पड़ेगा ना, लोगों से रोटी मांगना पड़ेगा, फिर संबंध हुआ कि नहीं हुआ? कहां बचोगे? कोई नहीं बच सकता है। तो जीवन ऐसा है, के साथ मजबूरी है, लोगों के बीच लोगों के साथ ही जीवन चलेगा, और जब जीवन है लोगों के बीच है तो व्यवहार होगा। लेकिन जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, व्यवहार करते हैं, उनकी सारी की सारी क्रियाएं, सारी की सारी बातें और सारा का सारा व्यवहार हमारे अनुकूल होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता।
सबका मन अलग अलग, संस्कार अलग अलग, रुचियां अलग अलग, स्वभाव अलग अलग। तो नाना स्वभाव के लोग हैं, नाना संस्कार नाना रुचियों के लोग हैं, उनके बीच रहने पर मन में बराबर विकार आने की संभावना रहती है। साथी ने कह दिया, पत्नी ने कह दिया, पति ने कह दिया, भाई ने कह दिया, भाभी ने कह दिया, सास ससुर ने कह दिया, गुरु ने कह दिया, शिष्य ने कह दिया, और मन में अमर्थ आ गया, मन में क्लेश हो गया या कोई विकार आ गया। तो ये जो विकार हैं, व्यवहार में, रोज के व्यवहार में, खाने पाने में, काम पीने में, काम धंधा करने में, मन रूपी आंगन में जो विकार आते हैं, इन विकारों को दूर करने के लिए रोज सत्संग की आवश्यकता है। सप्ताह भर तक घर में झाड़ू न लगाओ तो घर घर नहीं रहेगा, एकदम कचरे से भर जाएगा। ऐसे ही रोज सत्संग न करोगे तो मन में इतना विकार आ जाएगा कि सड़ने लग जाएगा। बाहर का जो कचरा है यह तो दिखाई पड़ता है, और इस बाहर के कचरे को दूर करने के लिए, बुहारने के लिए हम सोचते हैं, लेकिन मन में जो कचरा आता है उसके लिए कहां ख्याल है। उधर तो ध्यान ही नहीं है। किसी को कह दो कि तुम अज्ञानी हो, वह लाठी लेकर खड़ा हो जाएगा और कहने लगेगा कि तुमने मुझे अज्ञानी कैसे कह दिया, मेरे जैसा बुद्धिमान, मेरे जैसा विद्वान, मेरे जैसा समझदार, बताओ इस गांव में कोई है, अब तुम मुझे अज्ञानी कहते हो। एकदम गुस्सा से भर जाएगा, समझ नहीं रहा है गुस्सा कर रहा हूं या ज्ञान की पहचान है। यदि अज्ञान नहीं होगा तो गुस्सा कैसे आएगा। जो सही आदमी, सही ज्ञानी होगा, सच्चा ज्ञानी होगा, उसे कह दो कि आप अज्ञानी है, वो कहेगा हां भैया जरूर अज्ञानी हूं, अज्ञान से पूर्वक कोई काम हुआ होगा तभी तुम कह रहे हो। सच्चा ज्ञानी को अज्ञानी कहो, वो सिर झुका करके सुन लेगा और कहेगा भैया तुम सही कहते हो। और किसी अज्ञानी को अज्ञानी कह दोगे, लाठी नहीं रहेगी हाथ में, नहीं तो लाठी रहेगी तो फूंक के खोपड़ी मार देगा वो, ये मुझे अज्ञानी कैसे कह दिए। अपने अपने अज्ञान को हम समझे तो, हर आदमी को अपने ज्ञानी होने का, विद्वान होने का, पढ़ा लिखा होने का, समझदार होने का, प्रवक्ता होने का अहंकार है। लेकिन हमारे मन में दुख है तो ज्ञान कहां है। हमारे मन में दुख है ये पहचान है कि हम अज्ञानी है। सच्चे ज्ञानी कोई होगा तो उसके मन में कोई दुख नहीं होगा। सच्चा ज्ञानी होगा तो मन में कोई विकार नहीं आएगा। किसी से पूछो दुनिया में जाकर, रास्ता चलते पूछ दो किसी से कि भैया आप ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं, तो शायद ही कोई स्वीकार करे, कहे कि भैया मैं तो अज्ञानी हूं। नहीं तो हर आदमी यही कहेगा कि मैं ज्ञानी हूं। अच्छा है, हर आदमी ज्ञानी होना चाहिए। तो हर आदमी अपने को ज्ञानी मानता है, लेकिन जब दुनिया में हर आदमी ज्ञानी है, ये दुनिया भर का खुराफात, नाना प्रपंच और बलात्कार, भ्रष्टाचार और दुराचार, ये कहां से आ गए। ये कला कल्पना विवाद, कोई आदमी अपने को अज्ञानी नहीं मानता, हर आदमी अपने ज्ञानी मानता है। जब दुनिया में हर आदमी ज्ञानी है तो कोर्ट में मुकदमा कैसे चल रहा है, ज्ञानी मुकदमा लड़ेगा। ज्ञानी मुकदमा नहीं लड़ेगा, थोड़े थोड़े बात में उलझेगा नहीं। तो अपने अज्ञान को हम जानते कहां हैं। मन बना है अज्ञानी और मानते हैं हम बड़े ज्ञानी हैं। ये जो ज्ञान का अहंकार है,
ये ज्ञान का अहंकार जब तक दूर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। साधु बन जाए, प्रवक्ता बन जाए, महात्मा बन जाए, महंत बन जाए, गुरु बन जाए, और गुरु बनकर के रोज लोगों से चाहे पैर धुलवाएं चाहे पैर पूजवाएं, अपने भीतर का अज्ञान अहंकार दूर नहीं होगा तब तक दूर नहीं, तब तक दुख दूर नहीं हो सकता। हजारों लोगों को हम दीक्षा दे दें, इतने से गुरु नहीं बन गए, अपने भीतर की बुराइयों को देखें, अपने भीतर के विकारों को देखें, मन के अहंकार को देखें, जो अपने भीतर के विकार को, अहंकार को, अज्ञान को देखता है और देख करके इन्हें दूर करने के लिए साधना करता है और पूरी तरह से दूर कर देता है, वह सच्चा गुरु है, चाहे किसी को दीक्षा दिया हो या न दिया। दीक्षा देना तो एक व्यवहार है कि कुछ लोगों को धर्म के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में लगाने के लिए दीक्षा दी जाती है, तो एक व्यवहार है। लेकिन कोई दीक्षा देने से कोई गुरु नहीं हो गया, ये बाहर का गुरु है, असली गुरु को समझना पड़ेगा। इसलिए साहब ने कहा, घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु से शिष्य बूढ़े अंतकाल पछताना। ये महिमा के अभिमानी लोग अपने को बड़े प्रवक्ता मानते, बड़े महंत मानते हैं, हमारा इतना बड़ा मठ, हमारा इतना बड़ा आश्रम, हमारे इतने चेले, अब बड़े गुरु मान लिए। साहब तुम गुरु कहां, महिमा के अभिमान में घूम रहे हो, यदि आत्मतत्व का खबर नहीं है, कितना भजन बना लें, साखी बना लें, पुस्तक लिख लें, प्रवचन कर लें, तो सब बेकार है। साखी शब्दे गावत भूले आत्म खबरी न जाना, साहब कहते हैं ये साखी शब्द गाते हुए घूम रहे हैं, प्रवचन करते घूम रहे हैं, यदि अपने आप की खबर नहीं है, भीतर क्या क्या चल रहा है, मन में कैसी कैसी घटनाएं घट रही हैं, कैसे कैसे विकार उठ रहे हैं, इसको नहीं जानते हैं और इन विकारों को दूर करने के लिए साधना नहीं करते हैं, तो ये बाहर की गुरुवाई काम नहीं आएगी। भीतर की गुरुवाई को जगाना होगा, और वो क्या है, पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट हो जाना, अपने आप को जान लेना, अपने स्वरूप को पहचानना निर्भान दृष्टि से, और मन के सारे विकारों को दूर करके पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट, आत्म शांत हो जाना, ये भीतर की गुरुवाई है। और ऐसा जो कोई है वो सच्चा गुरु है, चाहे किसी को दीक्षा दिया हो या न दिया, उसे कोई जानता हो या न जानता हो, क्या बिगड़ेगा उसका। इसलिए हर किसी को तो अहंकार है कि हम बड़े ज्ञानी हैं, हमें कोई कह दे कि महाराज जी साहब प्रवचन तो बढ़िया करते हैं, लेकिन बस हमारा अहंकार ठेस लग जाएगा और हम दुखी हो जाएंगे, तो ये हमारे अज्ञान की पहचान। कहीं भी हम दुखी होते हैं, कहीं भी हमारे मन में अमर्थ आता है, जिस मात्रा में आता है, जितनी मात्रा में आता है, उतने हमारे भीतर अज्ञान है। अपने उस अज्ञान को जाने, और ये बड़ा मुश्किल, नीतिज्ञ वेदज्ञ अपि भवन्ति शास्त्रज्ञ ब्रह्मज्ञ अपि लभ्य स्वज्ञान ज्ञानिनो बिरला। अपय दीक्षित एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं आज से 400 साल पहले दक्षिण भारत में, बहुत पुस्तकें उनकी है। उन्होंने कहा है, नीतिज्ञ नियतिज्ञ वेदज्ञ अपि भवन्ति शास्त्रज्ञ ब्रह्मज्ञ अपि लभ्य स्वज्ञान ज्ञानिनो बिरले। नीति के जानने वाले, नियति ज्योतिष के जानने वाले, शास्त्रों को जानने वाले, वेदों को जानने वाले, यहां तक ब्रह्मज्ञ भी लभ्या ब्रह्म को जानने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन स्वज्ञान ज्ञानिनो बिरला, अपने अज्ञान को जानने वाला कोई बिरला हो। नीति को हम न जाने, वेद शास्त्रों को हम पढ़ना न जाने,
ब्रह्म को हम न जाने तो क्या बिगड़ेगा। अपने को जाने, अपने ज्ञान को जाने। सभी लोगों को वेद शास्त्र पढ़ करके ज्ञान नहीं होता है। कितने लोग तो वेद शास्त्र पढ़कर ही भटक जाते हैं। तो सभी लोगों को वेद शास्त्र पढ़कर के ज्ञान नहीं होता। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें वेद शास्त्र पढ़कर के ज्ञान होता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वेद शास्त्र का निर्माण करते हैं। कबीर साहब ने कौन सा वेद शास्त्र पढ़ा था? और ठीक है चलो, वेद बनाने वालों ने कौन सा वेद पढ़ा तब वेद बनाया? जिन्होंने शास्त्र बनाया उन लोगों ने कौन सा शास्त्र पढ़ा? उन्होंने अपने जीवन को पढ़ा, उन्होंने संसार को पढ़ा, उन्होंने अपने आप को पढ़ा। और जब जीवन को अपने आप को पढ़ा तो उनकी जबान से अपने आप शास्त्र का निर्माण होना शुरू हो गया। इसलिए अपने जीवन को और अपने आप को पढ़ें। और जो अपने जीवन को अपने आप को पढ़ लेता है और अपने आप को पूरी तरह से निर्विकार कर लिया, पूरी तरह से निर्मल कर लिया, फिर वो जो बोलेगा वह वेद वाणी होगा, फिर वो जो कहेगा वो शास्त्र की वाणी होगा। चाहे वो अनपढ़ हो, अंगूठा छाप क्यों ना हो, तो बाहरी पढ़ाई की जरूरत नहीं है। असली पढ़ाई है जीवन की पढ़ाई। और जो जीवन को नहीं पढ़ता है, जीवन को पढ़ने का अर्थ क्या है? अपने आप को समझना, अपने गुण दोषों को समझना, अपने मन के विकारों को समझना, मन की चतुराई को समझना, और समझ करके मन की चतुराई, मन के विकारों को दूर करना, तब वो पढ़ाई कल्याण में सहायक होगी। और बहुत पढ़े, बहुत पढ़े, बहुत पढ़े, लेकिन पढ़ लिख करके आत्मशोधन नहीं किए, जीवन को, मन को निर्विकार नहीं बनाए, निर्मल नहीं बनाए, तो पढ़ाई भटकने का और दुख का कारण बनेगी। इसलिए संतों ने कहा है, पढ़े लिखे कुछ होत नहीं। कुछ लोगों को बड़ा अहंकार होता है कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम इतने, हमारे पास इतनी डिग्री है। डिग्री क्या करेगी, पढ़ाई लिखाई क्या करेगी? जो करना चाहिए था वो किया नहीं। तो कहा गया, पढ़े लिखे कुछ होत नहीं, बिन जाने निज भेद, पढ़कर भी राक्षस रहा रावण चारों वेद। रावण तो चारों वेद को पढ़ता ना, फिर भी राक्षस तो राक्षस रहा, तो ऐसी पढ़ाई किस काम की? तो अपने भेद को जाने, अपने भेद को जानने कर दो ढंग से है। एक ढंग है कि अपने स्वरूप को जानना कि मैं कौन हूं। लोग किसी से पूछो, भाई तुम कौन हो? कहते मेरा दिख रहा है मैं आदमी हूं। तुम्हारा स्वरूप क्या है? स्वरूप क्या, ये देखे दिखाई पड़ रहा, सामने खड़ा है, एड़ी से चोटी तक ये जो शरीर दिखाई पड़ रहा है ये मेरा स्वरूप है। ठीक है, तो जन्म के पहले तो तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा ये शरीर था नहीं, तब क्या जन्म के पहले तुम्हारा अस्तित्व नहीं था? और मृत्यु के बाद ये तुम्हारा शरीर फिर खत्म हो जाएगा, तो क्या तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? क्या तुम बिल्कुल नए ढंग से बने हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं। जब हमारा ये शरीर जो दिखाई पड़ रहा है वर्तमान में, ये नहीं था तब भी हम थे, और जब ये शरीर नहीं रहेगा तब भी हम रहेंगे। शरीर तो खोल है, शरीर तो एक आवरण है, रहने की जगह है। शरीर को चलाने वाला कौन, उसको जाने, और उसका ख्याल ही नहीं है। किसी मकान में रहने वाला ये कहे कि मैं मकान हूं, तो कहेगा कि इसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया है। अरे तुम मकान कहते हो, तुम मकान में रहते हो, तो मकान में रहने वाला मकान नहीं हो जाता। इसी प्रकार शरीर में रहने वाला शरीर नहीं हो जाता। शरीर अलग है और जानने वाला अलग है। तो अपने आप को जाने कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर में साथ आगे जल्दी जल्दी कर।
तो मैं कह रहा था कि अपने भेद को जानना दो दृष्टि से है, एक तो स्वरूप की दृष्टि से कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में रहने वाला इससे अलग चेतन हूँ, शुद्ध बुद्ध अविनाशी हूँ, और दूसरा अपने विकारों को, अपनी गलतियों को जानना और जान करके उन्हें दूर करना। जब ऐसा होगा तब कल्याण होगा, तब मैं पढ़ाई लिखाई जो कुछ हम जानते हैं उसका महत्व होगा।